So it went on for years. Pierre and Joseph grew all together, but gradually, not suddenly. और यहाँ पे लिखा है कि जैसे ही टाइम बीतता गया, पियर और उनका घोड़ा जोसेफ दोनों ओल्ड हो चुके थे, मतलब बूढ़े हो चुके थे. नॉट सडनली, एक अचानक नहीं, लेकिन धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे वो बूढ़े हो गए थे. पियर्स ह्यूज वैलरस मोस्टेज वॉज प्योर वाइट नाउ एंड जोसेफ डिडंट लिफ्ट हिज नीज सो हाई. यहाँ पे लिखा है कि पियर जो है उनकी ह्यूज मतलब बड़ी वैलरस मतलब जो मूछे हैं, मोस्टेज मतलब मूछे हैं, वो एकदम वाइट हो चुकी थी. और जोसेफ भी अभी वो अच्छे से चल नहीं पा रहा था. यहाँ पे लिखा डिड नॉट लिफ्ट हिज नीज मतलब वो अभी अच्छे से चल नहीं पा रहा था, वो भी बूढ़ा हो चुका था, ऐसा यहाँ पे मीनिंग में होता है. जैक्स द फॉरमैन ऑफ द स्टेबल्स नेवर नोटिस दैट दे वर गेटिंग ओल्ड अंटिल पियर अपियर्ड वन डे कैरिंग अ बिग वॉकिंग स्टिक. जैक्स की जो फॉरमैन है, जो स्टेबल्स का मालिक है, उन्होंने कभी भी नोटिस नहीं किया था जब उन्होंने पियर को एक स्टिक लेके वॉकिंग करते हुए देखा. है पियर, जैक्स लाफ्ड. जैक्स हंसते हुए उनको बोलता है, हे पायरी, हे पियर, मे बी यू हैव गॉट द गॉट है. और वो उनको बोलता है, मुझे लगता है आपको अभी गॉट हुआ है. गॉट मतलब एक रोग आता है, डिजीज आता है, गॉट वो हुआ है ऐसा. तो पियर क्या रिप्लाई देता है, यस जैक्स, रिप्लाइड पियर अनसर्टनली. पियर उनको आंसर देता है कि अनसर्टनली मतलब वो अनिश्चित होकर उनको जवाब देता है कि यस जैक्स, बट एज वन ग्रोस ओल्ड लेग्स गेट टायर्ड. और उनको बोलता है कि जैसे कोई भी बूढ़ा होता है तो उनके पैर भी काम करना बंद हो जाते हैं या थक जाते हैं, ऐसा वो बोलता है. यू शुड टीच द हॉर्स टू प्लेस द मिल्क बॉटल्स एट द फ्रंट डोर ऑफ योर कस्टमर्स, जैक्स सेड टू हिम. और जैक्स उनको बोलता है कि आपको अपने घोड़े को सिखाना पड़ेगा कि आपके जो मिल्क की बोतल है वो आपके कस्टमर के डोर के पास कैसे रखना है. ही डज एवरीथिंग एल्स फॉर यू. और पियर उनको बोलता है कि वो आपके लिए सब कुछ करता है, जो भी है वो सब करता है, ऐसा वो उनको बोलता है. वन मॉर्निंग द मैनेजर ऑफ द मिल्क कंपनी केम टू इंस्पेक्ट द अर्ली मॉर्निंग डिलीवरीज. एक बार सुबह सुबह उनका जो मैनेजर है जैक्स, वो इंस्पेक्ट करने आया था, मतलब जांच करने आया था एकदम मॉर्निंग में, जो डिलीवरीज होती है मॉर्निंग डिलीवरीज वो चेक करने के लिए आया था. पॉइंटिंग आउट टू पियर, जैक सेड टू हिम. और पायरी को पॉइंट आउट मतलब वो उनको उंगली दिखा के बोलता है, जो दूसरे लोग वहाँ पे होंगे उनको बोलता है, वॉच हाउ ही टॉक्स टू दैट हॉर्स whom he calls Joseph. और सबको बोलता है कि देखो उनको, वो कैसे उनके घोड़े के साथ बातें कर रहा है जिसको वो जोसेफ बोलता है. See the look in the horse's eyes. और वहाँ पे जो घोड़ा है उनके आँखों में देखो. I think these two share a secret. मुझे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे का सीक्रेट शेयर कर रहे हैं. Sometimes they seem to chuckle at us as they go off on their route in the morning. Sometimes मतलब कुछ कोई बार मुझे ऐसा लगता है, seem मतलब लगना, chuckle मतलब मुंह दबा के हंसते हैं, उनका हम चकल बोलते हैं. वो बोलता है कि कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि हमारे सामने मुंह दबा के हंसते हैं जब वो सुबह उनके रूट पे जाते हैं, जब वो डिलीवरी देने जाते हैं. पियर इज़ अ गुड मैन बट ही इज़ गेटिंग ओल्ड. पियर एक बहुत ही अच्छा आदमी है लेकिन वो अभी बूढ़ा हो रहा है. डोंट यू थिंक ही शुड बी रिटायर्ड एंड गिवन अ स्मॉल पेंशन. और वो सबको बताता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और छोटा सा पेंशन लेना चाहिए, ऐसा वो सबको क्वेश्चन करता है. ऑफ कोर्स सेड द मैनेजर, उनका जो मैनेजर है वो बोलता है कि क्यों नहीं. He has been on this route now for 30 years and not even once has there been a complaint against him.
और मैनेजर बता रहा है कि वो ये रूट पे 30 ईयर्स मतलब 30 साल से काम कर रहा है, लेकिन एक बार भी उनके अगेंस्ट कोई भी कंप्लेन नहीं आई है, ऐसा वो सबको बताता है। टेल हिम इट इज़ टाइम ही शुड रेस्ट, और उनको बोलो कि ये टाइम जो है ये समय है उनका आराम करने का और आराम करना चाहिए। हिज सैलरी विल गो ऑन जस्ट द सेम, और वो उनका जो मैनेजर है वो बोलता है कि और उनको जो सैलरी है वो भी जैसे रेगुलर मिलते वैसे ही उनको मिलती रहेगी, ऐसा उनको बोलता है। बट पियर रिफ्यूज टू रिटायर, लेकिन पियर मना कर देता है, रिफ्यूज मतलब मना करना, वो रिटायरमेंट लेने के लिए मना कर रहा है। ही कुड नॉट बेयर द थॉट ऑफ नॉट ड्राइविंग हिज जोसेफ एवरी डे, और वो बिल्कुल भी ऐसा सोच नहीं सकता कि वो जोसेफ के साथ ड्राइव नहीं करेगा। ही सेड टू जैक्स, वी आर टू ओल्ड मैन जोसेफ एंड आई, लेट अस वेयर आउट टूगेदर, और जैक्स को वो बोलता है कि वी आर टू ओल्ड मैन, हम दोनों अभी बुढ़े हो चुके हैं, मैं और मेरा घोड़ा जोसेफ, हमें एक साथ रहने दो। वेयर आउट मतलब घिसना होता है, लेकिन हम यहाँ पे ऐसा समझेंगे कि हमें साथ रहने दो। When Joseph is ready to retire, then I too will leave. और पियर उनको बताता है कि जब भी जोसेफ रेडी होगा, जब जोसेफ रेडी होगा रिटायरमेंट के लिए, तब मैं भी रिटायर हो जाऊंगा, ऐसा वो बोलता है। जैक्स हु वॉज अ काइंड मैन अंडरस्टूड, जैक्स जो एक अच्छा आदमी था, वो काइंड था, दयालु था, इसलिए वो समझ सकता था। देर वॉज समथिंग अबाउट पियर एंड जोसेफ विच मेड अ मैन स्माइल टेंडरली, उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ था जो एक कोई भी मैन को उनके चेहरे पर हंसी ला देता था। इट वॉज एज दो ईच ड्रू सम हिडन स्ट्रेंथ फ्रॉम द अदर, और वो ऐसा था कि जैसे कोई उनके अंदर कोई ताकत छुपी हुई है जो एक दूसरे को से वो रखते थे। When Pierre was sitting in his seat and when Joseph was hitched to the wagon, neither seemed old. और यहाँ पे लिखा है कि जब जो पियर था वो जो तांगा था उनमें बैठता था, उनकी सीट पे बैठता था, और जोसेफ उनको खींचता था, जो वैगन था मिल्क वैगन उनको खींचता था, तब ऐसा कभी भी नहीं लगता था कि वो दोनों बुजुर्ग है या दोनों ओल्ड हो गए हैं, वो दोनों बुढ़े हो गए हैं। बट वेन दे फिनिश्ड द वर्क, पियर वुड लिंप डाउन द स्ट्रीट सीमिंग वेरी ओल्ड इनडीड, लेकिन जब उनका काम ख़त्म होता था, फिनिश मतलब काम ख़त्म होना, जब उनका काम ख़त्म होता था तब पियर जो था वो क्या होता था, लिम्प डाउन मतलब वो थोड़ा झुक जाता, जब बुढ़े हो जाते हैं तब हम कमर में से थोड़े से बैंड हो जाते हैं, तो ऐसा वो हो जाता था, और तब लगता था इंडिन मतलब तब खरेखर, तब सचमुच में ऐसा लगता था कि वो बुढ़े हो गए हैं। द हॉर्सेस हेड वुड ऑल्सो ड्रॉप एंड ही वुड वॉक वेरी वियरली टू हिज स्टॉल, जब भी वो उनके स्टॉल पे जाता था, उनका जो स्टेबल है वहाँ पे जाता था, वो उनकी चाल से ऐसा लगता था कि वो थोड़ा वियरली चलता था, मतलब वो बुढ़ा हो चुका था। देन वन मॉर्निंग जैक्स हैड अ ड्रेडफुल न्यूज़ फॉर पियर, और एक सुबह में ऐसा हुआ कि जैक्स के पास एक न्यूज़ था, कैसा ड्रेडफुल मतलब एकदम डरावना, खौफनाक ऐसा बोल सकते हैं हम, ऐसा न्यूज़ था पियर के लिए। ही सेड पियर जोसेफ डिड नॉट दिस मॉर्निंग, और उन्होंने उनको बोला कि जोसेफ आज सुबह नहीं उठा है, ही वॉज वेरी ओल्ड, पियर यू नो ही वॉज 25 एंड दैट इज लाइक 75 फॉर मैन, और पियर को उन्होंने ऐसा बोला कि वो अभी बहुत ही बुढ़ा हो चुका था, एंड देन वो, और आप जानते हैं कि वो अभी 25 का था, जैसे कि कोई मैन के लिए 75 ईयर्स का होना। यस पायरी सेड स्लोली, और पायरी उनको धीरे से बोलता है कि हाँ आई एम 75 नाउ, आई शैल नेवर सी हिम अगेन माई पुअर जोसेफ, और वो पियर जो है वो बोलता है, और पियर बोलता है कि हाँ
मैं भी अभी 75 का हूँ और मैं अभी उनको फिर से नहीं देख पाऊँगा, बेचारा मेरा जोसेफ, ऐसा उनको बोलता है। जैक्स पैटर्ड पायरी ऑन द शोल्डर, विल फाइंड अनदर हर्स फॉर जस्ट एज गुड एज जोसेफ। वाई इन अ मंथ्स टाइम यू विल टीच हिम योर रूट। और जैक्स उनको सिंपथी देता है, पैटर्ड मतलब उनको थपथपाता है उनके शोल्डर पे और बोलता है कि हम कोई बात नहीं, हम एक नया दूसरा हॉर्स ढूंढ लेंगे जैसे ही जोसेफ जैसा ही। और उनको बोलता है कि हम दूसरा हॉर्स ढूंढ लेंगे बिल्कुल जोसेफ जैसा ही, जस्ट एज गुड एज जोसेफ, जैसा जोसेफ था वैसा ही हम ढूंढ लेंगे, कोई बात नहीं, ऐसा उनको बोलता है। वाई इन अ मंथ्स टाइम यू विल टीच हिम योर रूट। और बोलता है कि एक मंथ में ही आप उनको अपने रूट सिखा देंगे। देन पियर बोलता है विल मतलब हम करेंगे। बट ही स्टॉप्ड व्हेन ही लुक्ड इनटू पियर्स आईज, लेकिन वो रुक गया जब उन्होंने पियर के आंखों में देखा। फॉर इयर्स पियर हैड वॉर्न अ हैवी कैप, द पीक ऑफ विच केम लो ओवर हिज आईज। और बहुत सालों पहले वो एक टोपी पहना करता था जो हैवी कैप मतलब जो हैट टाइप की होती है, राउंडेड होती है, वो पहनता था। उनकी जो पिक है, उनका जो राउंडेड वाला होता है, वो थोड़ा लो रहता था। कुछ सालों से वो ऐसा लो हुआ लो रहता था जैसे कि उनकी आईज कोई देख ना पाए। नाउ व्हेन जैक्स लुक्ड इनटू पियर्स आईज ही सॉ समथिंग व्हिच स्टार्टल्ड हिम। और जब जैक्स ने उनकी आंखों में देखा तब उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उनको चौंका देने वाला था। ही सो अ डेड लाइफलेस लुक इन देम, उन्होंने उनकी आंखों में एक मुर्दा हुआ रूप देखा। द आईज वर मिररिंग द ग्रीफ दैट वॉज इन पियर्स हार्ट एंड इन हिज सोल। उनकी आंखें मिररिंग मतलब उनकी आंखें, पियर की आंखें जो थे वो शोक, उनकी व्यथा दिखा रही थी जो कि उनके हार्ट में थी, उनके दिल में थी और उनके आत्मा में थी। इट वॉज एज दो हिज हार्ट एंड सोल हैड डाइड, और वो ऐसा लग रहा था और ऐसा था जैसे कि उनका आत्मा और उनका दिल मर गया है। टेक टुडे ऑफ पियर, जैक्स सेड। और जैक्स ने उनको बोला कि चलो आज आप लीव ले लो, आज छुट्टी ले लो। बट बिफोर जैक्स कुड कंप्लीट हिज सेंटेंस, पियर वॉज ऑलरेडी लिम्बिंग डाउन द स्ट्रीट। और यहाँ पे लिखा है कि उनका सेंटेंस जैक्स उनको बोल रहा था वो बोलता ख़त्म नहीं हुआ था, और पियर ने क्या किया था, पियर ऑलरेडी स्ट्रीट के लिए निकल गए थे। टीयर्स वर स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स एंड ही वॉज सॉबिंग, और पियर के आंखों में से आंसू बह रहे थे और वो रो रहा था। देयर वॉज अ वार्निंग येल फ्रॉम द ड्राइवर ऑफ अ ह्यूज ट्रक, और थोड़ी देर के बाद एक ट्रक जो बहुत बड़ा ट्रक है उनका जो ड्राइवर है वो वार्निंग येल दे रहा था, मतलब वो चेतावनी दे रहा था, हॉर्न बजा रहा था। दैट वॉज कमिंग फास्ट, और वो ट्रक बहुत ही फास्ट आ रही थी। एंड देयर वॉज अ स्क्रीम ऑफ ब्रेक्स, और वहाँ पे बहुत ज़ोर से एक आवाज़ आई, जो ब्रेक लगाते हैं तब जो आवाज़ आती है वैसी बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। बट इट अपियर्ड दैट पियर हैड हर्ड नाइदर, और वहाँ पे ऐसा दिखा कि पियर ने कुछ नहीं देखा था या कुछ नहीं सुना था। 5 मिनट्स लेटर एन एम्बुलेंस डॉक्टर सेड ही इज डेड, और 5 मिनट के बाद एम्बुलेंस का जो डॉक्टर है उन्होंने थोड़ी सी जांच की होगी एंड देन वो क्या बोला कि वो अभी मर गया है। जैक्स एंड सेवरल ऑफ द मिल्क वैगन ड्राइवर्स हैड अराइव्ड बाय देन, उसके बाद जैक्स और उनके कुछ मिल्क वैगन ड्राइवर्स थे वो वहाँ पे आ पहुँचते हैं। दे लुक डाउन एट द स्टील फिगर, और जो सब आए थे जैक्स और जो मिल्क वैगन ड्राइवर्स आए थे उन्होंने देखा स्टील फिगर मतलब वहाँ की जो कैसे क्या हुआ था वो सब उन्होंने देखा।
I couldn't help it. The driver of the truck protested. और वहाँ का जो ड्राइवर है, ट्रक का ड्राइवर है, उन्होंने क्या बोला? डिफेंस में प्रोटेस्टेड मतलब उनके विरोध में उन्होंने क्या बोला कि I couldn't help it. मैं उनको मदद नहीं कर पाया, ऐसे वो बोल रहा है। हमारे यहाँ क्या करते हैं, जैसे कुछ होता है बड़े ड्राइवर को उतार के पहले पीट देते हैं, उसके बाद पूछते हैं। लेकिन यहाँ पे वो प्रोटेस्ट करके बोल रहा है कि I couldn't help it, मैं उनको मदद नहीं कर पाया। He walked right into my truck. और उसने बोला कि वो मेरे ट्रक में सीधा आके घुस गया। He never saw it, I guess. और मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने कुछ नहीं देखा था। He walked into it as though he was blind. और वो ऐसे आया जैसे कि कोई ब्लाइंड पर्सन है। The ambulance doctor bent down. और जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है वो बैंड होता है और उनको देखता है। Blind, he said, looking into Pierre's eye. और उन्होंने बोला कि ये अंधा था, उनकी आंखों में देखता है, अंधन बोलता है वो अंधा था। Of course, the man was blind. See those cataracts. This man has been blind for 5 years. और वो डॉक्टर बोलता है कि of course ये मैन अंधा था, वो पर्सन अंधा था। उनके कैटरैक्ट्स को देखो, उनकी जो आंखों में होता है उनको देखो। कैटरैक्ट्स मतलब वो होता है कि आंखों में जो हमारा वो होता है वो सफ़ेद हो जाता है, जो लेंस होता है हमारा वो सफ़ेद कलर का हो जाता है, मतलब अंधा हो जाते हैं, हम देख नहीं सकते। तो उनको वो बोल रहा है कि उनको देखो। दिस मैन हैज़ बीन ब्लाइंड फॉर 5 years. और ये आदमी 5 years थे अंधा था। देन ही टर्न टू जैक्स एंड सेड, यू से ही वर्क्ड फॉर यू। और वो डॉक्टर जैक्स की ओर जाता है और जैक्स को पूछता है कि आप तो बोल रहे थे कि वो आपके वहाँ काम करता था, डिडंट यू नो ही वॉज ब्लाइंड, क्या आप नहीं जानते थे कि वो ब्लाइंड था। देन जैकी क्या बोलता है, नो नो, जैक्स सेड सॉफ्टली। और जैक्स को भी यकीन नहीं हो रहा है, इसलिए वो धीरे से अनकम्फर्टेबली बोलता है नो नो, नोन ऑफ अस न्यू, नो हम में से कोई भी नहीं जानता था, ऐसा वो बोल रहा है। देर वॉज ओनली वन हु न्यू, खाली एक ऐसा था वो उनको जानता था, अ फ्रेंड ऑफ हिज नेम जोसेफ, जस्ट उनका फ्रेंड जानता है जिसका नाम है जोसेफ। इट वॉज अ सीक्रेट आई थिंक जस्ट बिटवीन दोज टू, मुझे लगता है ये सीक्रेट था उन दोनों के बीच में। आई होप आपको ये स्टोरी में बहुत ही मज़ा आया होगा, जो एक सस्पेंस की तरह है, राइट? अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, एंड देन सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो मिलते हैं नए लेसन में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय।